Today we will start with oxidation states. Okay, oxidation state का periodic table में क्या trend होगा जब हम left to right जाते हैं और top to bottom. सबसे पहले आपको oxidation state का पता होना चाहिए कि क्या है और difference between oxidation states and valency. तो oxidation state आपने first year में भी पढ़ा है. क्या है? It is the state of an atom in a compound. क्या किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि चार्ज विद विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपस में मिलके वो कंपाउंड बना रहे हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. जबकि वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी में हमारे पास जस्ट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. तो लेकिन कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है वो दो एटमों के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जब वो दो के साथ बॉन्ड बना रहा है इन केस ऑफ वाटर, ये हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा. यानी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है तो ये उसकी वैलेंसी है, और ऑक्सीजन के ऊपर टू नेगेटिव चार्ज है तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो दो चीज़ों में आपको पहले डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा एक दफा हम इसको दोबारा से देख क्लियर कर लेते हैं. अब कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स में इट इज़ यूजली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम. अब आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, कौन सा एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कौन सा कितने गेन करता है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. लाइक NaCl के अंदर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो हम कह सकते हैं कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, और क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस वन है. तो यही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की है. इन कूलेंट कंपाउंड इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और कूलेंट पे ये किस चीज़ पर बेस कर रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उस पर, के दो एटम्स के दरमियान जो कि आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितना है. फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले देख लिए SnCl फोर is a covalent compound, ठीक है, stainless chloride. The oxidation state of tin is plus 4 and that of chlorine is minus 1. So the oxidation state of an element is 0 in free state. अब SnCl4 में उसने क्या कहा है कि stainless है, उसकी हमें कैसे पता चलेगी, हमें जो चीज़ कन्फर्म है वो क्या है कि क्लोराइड के ऊपर माइनस वन होता है, तो चार क्लोराइड लगे हुए हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, तो फिर माइनस फोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए देर शुड बी प्लस फोर ऑन द SN या टिन के ऊपर प्लस फोर होना चाहिए. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो टिन की वो प्लस फोर आ जाती है, ठीक है. अगर कोई एटम जो है वो जीरो वैलेंट फॉर्म में मौजूद है तो या फ्री फॉर्म में मौजूद है तो हम कहेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, जीरो होगी. जैसे अगर आपके पास आयरन Fe की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, तो Fe के ऊपर जीरो वैलेंट आ जाएगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो ही होगी. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिपिकल एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर. किस से रिलेट कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? ग्रुप के नंबर से. किस तरह? जैसे 1A जो ग्रुप है उसके तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, प्लस वन होगी, ठीक है. जो 2A के मेंबर्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगी. 3A के जो मेंबर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 पॉजिटिव या प्लस 3 होगी. तो यही उसने बताया है कि जस्ट एज बोरॉन. अब ये मेंबर्स मैंने सिर्फ आपको ग्रुप का नंबर बताया, यहाँ पे अब उन्होंने मेंबर्स बता दिए हैं कि 1A to 4A जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह से होगी, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 एंड प्लस 4. अगर हम एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ आ जाते हैं ताकि ज़रा हम तो एक दफ़ा फिर से ये चीज़ देख सकें. चलें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है. 1A के जितने मेंबर्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है. 2A के जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो इन और जो कि ये दे सकते हैं, ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी 2 होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होगी. उसके बाद 3A के जो मेंबर्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 होगी, और 4A के जो मेंबर्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो प्लस 4 होंगी. अच्छा, लेकिन 5A के जो मेंबर्स, ये सॉरी 1A 2A
और इधर से ये 3A के मेंबर्स आ जाते हैं और ये 4A के मेंबर कार्बन फैमिली। अब आपने इनके पहला पहला मेंबर देखे हैं, लाइक हाइड्रोजन है या लिथियम है, इसकी +1 है, ब्रिलियम की +2 है, बोरॉन जो है जो 3A का मेंबर है उसकी +3 है, कार्बन जो है जो कि 4A का मेंबर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। लेकिन जो है बेटा इधर नहीं प्लीज, लेकिन जो आपके पास पांचवा जो मेंबर आ जाता है दैट इज नाइट्रोजन, 5A का जो मेंबर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हरगिज जो है वो +5 नहीं होगी, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके हिसाब से नहीं होगी, बल्कि इसमें जितनी कैपेसिटी ये वैकेंसी अवेलेबल है, यानी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं लेकिन कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 3 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो नाइट्रोजन का ऑटोमोशल मुकम्मल हो जाता है, तो इसके पास डेफिशिएंसी 3 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो +5 नहीं होगी बल्कि वो -3 होगी। अब आगे आ जाएं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऑटोमोशल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 पॉजिटिव नहीं होगी, बल्कि इसके पास क्योंकि डेफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, ठीक है। इसके बाद 7A के जो मेंबर्स हैं इनके ऑटोमोशल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 नहीं होगी, बल्कि इसके पास डेफिशिएंसी या वैकेंसी अवेलेबल या खाली जगह कितनी है वो 1 की है, तो वो आपके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाइए नोबेल गैसेस पे, नोबेल गैसेस जो हैं उनमें आपके पास आउटरमोशल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो इसकी इसके पास जो कैपेसिटी अवेलेबल है वो कोई भी नहीं है, यानी इसके पास खाली जगह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जब खाली जगह मौजूद नहीं है तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यही चीज जो है वो जो है आगे उसमें देखते हैं, आगे हम आगे कर देते हैं जहाँ पे हम थे जी। यही बात जो है वो आपको यहाँ पर भी बताई गई है कि किस तरह से आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। इसका मतलब है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ेगी, जैसे 1A की +1 है, 2A की +2 है, 3A की +3 है और 4A की +4A है, और उसके बाद 4 पे जाके मैक्सिमम होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। किस तरह कम होगी कि 5A में -3 हो गई, 6A में आपके पास -2 हो गई, 7A में -1 हो गई और 8A में आके वो 0 हो गई। तो इसका जब आप लेफ्ट टू राइट ट्रेंड देखते हैं तो वो क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, मैक्सिमम पर पहुंचेगी और फिर वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम इसको एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं कि फॉर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज द, हाँ जी ये 3A की बात होगी, देयर ऑलवेज शोज, सो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया, 5A वाला भी हो गया। अच्छा आगे आप आ जाएं सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 दिया हुआ है, इसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। अब सल्फर किस मेंबर किस ग्रुप में आता है, 6A में। अब ये जो है वेरिएशन आ जाती है ना इसमें, टॉप मोस्ट मेंबर्स के लिए तो हमने कहा जी वो +6 नहीं होगा बल्कि वो क्या होगा, वो -2 होगा लाइक ऑक्सीजन के लिए, लेकिन सल्फर जो है जो सेकंड मेंबर है आपके पास 6A का, उसमें सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, 6A में आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है सल्फ्यूरिक एसिड में। किस तरह, ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 × 4 -8, और हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 × 2 +2 और -8, डिफरेंस कितना आया +6 का। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी आ गई है, +6, जो किसके इक्वलेंट आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अवेलेबल जो मौजूद हैं उसके अंदर 6A के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। अब यही सल्फर जब H2S में है, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पर ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो 2 हाइड्रोजन हैं तो +1 × 2 +2 और
डेफिनेटली फिर सल्फर जो है वो माइनस टू होगा. यहाँ पर जो है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू है. तो आप इसको ये चीज देख सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो है उसको शो कर रहा है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है. ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्रुप 8A को हम डिस्कस कर चुके हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोन इन बी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आल्सो शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर. उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके ग्रुप नंबर के हिसाब से होंगी, जैसा कि कॉपर की Cu+1 भी होती है, +2 भी होती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा चेंज होती रहेगी. जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यही चीज़ हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. जिंक जो है वो 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेनेडियम की 5 है, क्रोमियम की 6 है, मैंगनीज की 7 है. अब ये सब एक दफ़ा फिर से आ जाएं इधर ही, मैं आपको दिखा दूं किस तरह से ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो दिया हुआ है. हाँ जी, ये आपको उसने एग्जाम्पल दी है जिंक. ये सबसे पहले कॉपर की 1 दी हुई है, ये 1B है, ठीक है. उसके बाद जिंक की 2 दी हुई है, ये 2B है, एंड बाकी जो मेंबर्स हैं स्कैंडियम 3 आ जाएगा, 4, और उसने किसकी दी हुई है, हाँ क्रोमियम का बताया हुआ, क्रोमियम 6 बताया हुआ ना, तो ये 6B का मेंबर है. तो ये बेसिकली जो भी आपको ग्रुप्स के ऊपर इनका नंबर दिया हुआ है जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को. और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ट्रेंड क्या देखा है कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होंगी, मैक्सिमम होंगी, एंड देन ये क्या हो जाएंगी, ये डिक्रीज हो जाती हैं. अच्छा, उसके बाद टॉप टू बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड में आपने इसका बताना है. ग्रुप में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम कांस्टेंट रहती है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड अगर आएगा तो आपने ग्रुप और पीरियड दोनों का ही देना होता है. तो आप दोनों का जब है ही नहीं तो फिर, लेकिन आपने स्टेटमेंट उसकी देनी है, ये नहीं कह देना कि वो मिस वो था ही नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं, आपने स्टेटमेंट देनी है कि टॉप टू बॉटम वो सेम रहती है. अच्छा, उसके बाद आ जाती है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, के बिजली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो करंट के गुजरने का की जो रेशो है वो किस तरह से, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. तो कंडक्टिविटी जो है उसका क्या ट्रेंड है. अब कंडक्टिविटी आपको पता ही है किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, मेटल्स हीट के भी बड़ी अच्छी कंडक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की. तो वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्यों है, क्योंकि मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि मूव करते हैं, और उनके मूवमेंट की वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है. और करंट की आप डेफिनेशन जानते हैं क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल इन ग्रुप 1A एंड 2A जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में कंडक्टिविटी बढ़ती है. उसकी क्या वजह है, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो है बॉन्ड वो वीक होगा, यानी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर. और जब इन्फ्लुएंस उसका कम हो जाएगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वो लूज हो जाएगा, या वो फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अवेलेबल होगा. ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपने देख लिया कि कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है. इवन नॉन मेटल्स में भी ऐसी ही सिचुएशन है कि बेशक टॉप मोस्ट मेंबर नॉन मेटल्स हैं, लेकिन नीचे के मेंबर्स जो हैं वो मेटल्स हैं. ये हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में. ठीक है, स्पेशली ग्रुप 6A एंड 7A, इनके 6A का टॉप मोस्ट मेंबर कौन सा है, ऑक्सीजन, 7A का क्या है, फ्लोरीन. तो ये दोनों तो नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनके नीचे जो एंड वाले मेंबर्स हैं वो मेटेलिक नेचर के हैं. तो ये चीज़ आपने देख लेनी कि टॉप टू बॉटम जो है इवन नॉन मेटल्स में भी मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो मेटल्स में तो फिर ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा ना. इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, सीरीज का मतलब क्या है ट्रांजिशन मेटल की, लेफ्ट टू राइट 3 सीरीज हैं. ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल सीरीज में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी सो एब्रप्टली दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन टू देम. अब ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज है उसमें इतनी हम स्मूथली नहीं बता सकते कि किस तरह से लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या ट्रेंड आ रहा है. मैं आपको एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज दिखा दूँ, चलें ये फोर्थ पीरियड में आ जाए. ये स्कैंडियम से जो शुरू हो रही है अप टू जिंक, ये फर्स्ट सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की. यॉट्रियम से जो शुरू हो रही है और कैडमियम पे ख़त्म हो रही है, ये आपके पास सेकेंड सीरीज है.
और तीसरी आपके पास लेंथनम से जो शुरू हो रही है और मरकरी पे जाकर ख़त्म हो रही है, ये आपके पास थर्ड सीरीज है। तो इस तरह ओवरऑल आपके पास तीन सीरीज जो है कंप्लीट, वो किसकी है, ट्रांजिशन एलिमेंट की। अगला जो है वो भी कंप्लीट नहीं है। अच्छा, तो इन तीन सीरीज में कहता है कि हमने ग्रुप में देख लिया कि टॉप टू बॉटम जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब लेफ्ट टू राइट कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि लेफ्ट पे सारी जो है वो मेटल्स आ रही हैं और फिर आगे जाके ये वाली सारी आपको पता ही है कि ये नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। लेकिन ये जो ये हम नॉर्मल ग्रुप की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो तीन सीरीज है वो कहता है कि इसमें ये कंडक्टिविटी का ट्रेंड बताना जो है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्लियर कट आपको ये नहीं पता चल रहा कि इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है या इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है। हर मेंबर की डिफरेंट है, तो इसलिए वहाँ पर इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, एब्रप्टनेस जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपरली जो है वहाँ पर जो है वो नहीं बता सकते कि जी ये ट्रेंड नहीं हम बता सकते। ठीक है, अच्छा उसके बाद द लोअर मेल ये हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट आप जो है वो कीजिए, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एब्जॉर्ब और एवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का इन गैशियस फॉर्म, अगेन गैशियस आयंस की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। जब भी आप इन गैशियस आयंस को पानी में हल करके उसका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, कितना, इनफाइनाइटली डाइल्यूट, यानी इतना डाइल्यूट हो कि उसमें आप मजीद पानी भी ऐड कर दें तो उसमें कोई फर्क जो है वो ना पड़े। ठीक है, तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन हाइड्रो वर्ड है, वाटर से निकला है। ठीक है, कि आपके पास फिर से इसको एक दफा देख लें कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, कब, जब एक मोल आयंस को हम डिसॉल्व करते हैं कितने पानी में, इतने पानी में कि वो मजीद आप उसमें में अगर पानी ऐड करो तो उसका डाइल्यूशन फैक्टर में कोई फर्क ना पड़े, यानी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर में। और जितनी हीट जो है उस वक्त वो रिलीज होगी वन मोल ऑफ द आयन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन देने से, जितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, बेसिकली चार्ज डेंसिटी पर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है किसके इक्वलेंट होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी में हमारे पास इसी तरह चार्ज डेंसिटी क्या है, ये कितने वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। अब आपको पता होना चाहिए कि जितना साइज छोटा होगा उतना और जो है वो आपके पास वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आप अगर देखें, ये आपको जो एक ट्रेंड दिया हुआ है लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये पूरी एक जो है लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये तीन आपको मेंबर्स दिए हुए हैं 1A के। ठीक है, इनमें आप देखें ये टॉप टू बॉटम, जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यूज में वेरिएशन आ रही है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, सोडियम का साइज लिथियम से थोड़ा बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ी कम है। अब ये ना कहिएगा कि मिस माइनस साइन का मतलब मैं जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, या माइनस साइन छोटे वो वाली माइनस नहीं है, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला है। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो हमने डिस्कस, तो हमने ये जो तीन मेंबर्स का उन्होंने दिया हुआ है आपको 1A के। अब जैसे से आपने देखा है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हुआ है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम हुई है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट मैग्नीशियम कैल्शियम, ये दोनों 2A के मेंबर हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऊपर होता है कैल्शियम नीचे होता है, यानी मैग्नीशियम का साइज छोटा है और कैल्शियम का जो है वो उससे बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, जिसका साइज बड़ा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। आगे एल्यूमिनियम का साइज बहुत छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास जो है वो प्रोटॉन्स के मुकाबले में अगर 13 प्रोटॉन है तो सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज बहुत छोटा होगा। तो जब साइज बहुत छोटा होगा तो आप हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू देखें 4613 किलो जौल पर मोल। तो ये आपके पास एक ट्रेंड है। अच्छा, जो कंपेयर करना है आपने वो किस तरह से करना है, चार्ज अगर सिमिलर है फिर ये नहीं आपने देखना
ये आपने टॉप टू बॉटम देखा, इसका यही मतलब है कि चार्ज के हिसाब से उसका साइज जो है उसको पहले एडजस्ट करना है। अच्छा आगे ये हेलोजेंस में देख लीजिए, 7A में फ्लोराइड सबसे टॉप मोस्ट मेंबर है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबसे बड़ा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है, यानी जितना साइज छोटा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। किस तरह ज़्यादा होगी, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। तो फिर सबसे छोटा साइज किसका आ रहा है आपके पास, 1A में हाइड्रोजन का आ रहा है, तो हाइड्रोजन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 1075 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड अपॉन द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द आयंस। फॉर अ गिवन सेट ऑफ आयंस, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A, चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड द हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस इन द सेम फैशन। इन अ ग्रुप जो है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होगी क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट भी तो साइज छोटा हो रहा है, आपने स्टार्ट में हमने ये चीज देखी थी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो भी साइज डिक्रीज हो रहा है, तो जब साइज डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ेगी एज फाउंड इन द मेटल आयंस ऑफ द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में आप ये चीज देख सकते हैं, एल्यूमिनियम की उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दी। आगे अभी अभी जो हमने पढ़ा है अभी तक जो टॉपिक है वो क्या थे, वो थे हमारे पास जो पीरियोडिसिटी थी किसमें, जो एलिमेंट्स थे उनमें। अब हमने पढ़नी है पीरियोडिक रिलेशनशिप्स इन कंपाउंड्स के, कंपाउंड्स की फॉर्म में जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसका उसका क्या उस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और टॉप टू बॉटम। सबसे पहले आपने हमने डिस्कस करने हैं कौन से कंपाउंड्स में पीरियोडिक रिलेशनशिप, यानी ग्रेजुअल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनमें क्या चेंज आता है, या लेफ्ट टू राइट जाके क्या आता है और टॉप टू बॉटम जाके क्या आता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेलाइड्स। सबसे पहले आपको हेलाइड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हेलाइड्स क्या है। दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स विद हेलोजन, विद द हेलोजन्स फॉर्म विद द अदर एलिमेंट, जो कि हेलोजन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी मीन टू कंपोनेंट, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट तो लाजमी क्या होगा, हेलोजन होगा। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है उसमें जो उसको हम अगर जनरली बात कहें तो हम कह सकते हैं, मतलब क्लोराइड के बजाय अगर हम हेलोजन जो है उसको वो जनरल टर्म है तो उसको हम अगर यूज करें तो सोडियम हेलाइड कहेंगे, तो वो क्या है आपके पास, हेलाइड। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन का जो है वो बाइंडिंग कंपाउंड है, तो इन बेसिस पे वो कहता है हेलाइड को हम दो जनरल क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन, दो तरह के हेलाइड्स हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट। आयनिक में क्या होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वो आयनिक होंगे, और जहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो हमारे पास कोवेलेंट हेलाइड्स होंगे। देयर इज अनदर क्लास ऑफ हेलाइड्स in which the hydrogen atom act as a bridge between the two atoms and two atoms of the other element. Such halides are termed as the polymeric. अब आपके पास दो basic classifications है halides की, किस किस तरह के हो सकते हैं, एक हमने देखा है कि ionic हो सकते हैं, दूसरा हमने देखा है कि ये covalent हो सकते हैं। अब जो तीसरी एक और वो कहता है इनके दरमियान में एक और situation है जिस को हमने क्या नाम दिया, जिसमें hydrogen जो है वो एक ब्रिज या पुल का काम देता है और दो एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब आप देख लीजिए कि वैसे हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन पॉलीमेरिक में ब्रिज स्ट्रक्चर में एक के साथ तो वो प्रॉपर बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ वैसे ही उसकी अट्रैक्शन होगी। ये आगे हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हैलोजन, दे फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। कौन आयनिक हैलाइड बनाएंगे, जिनका हेलोजन के साथ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगा। अब हेलोजन का तो आपको पता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उन जबकि आप लेफ्ट पे जाएं, लेफ्ट का मतलब क्या है कि 1A के मेंबर जो हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास जहाँ पर जो है हेलोजन्स का मैक्सिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कहाँ होगा, 1A के साथ। तो 1A के साथ जो भी इनके कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, वो टोटली प्योरली आयनिक कंपाउंड्स होंगे। और आयनिक कंपाउंड्स जो हैं, अच्छा इसकी पहले एग्जांपल कर लेते हैं।
वन ए में किसके साथ हो सकता है जो है, क्लोराइड को ही देख लें, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको एग्जांपल है, प्योरली आयनिक कंपाउंड है आपको पता है, और उसका आयनिक कंपाउंड की और क्या क्वालिटी होती है, क्योंकि उनमें बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सच लैट्स हैव थ्री डायमेंशनल लैटिस। अब आपने ये सारी क्वालिटीज जो पढ़नी है सोडियम क्लोराइड को सामने रखते हुए करनी है कि सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और इनके अंदर और क्या चीज़ उसने चाहिए कि थ्री डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें डिस्क्रीट आइंस मौजूद है। ये आपने फर्स्ट ईयर में सॉलिड वाले चैप्टर में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लिया है। अमंग द प्योर आयनिक कंपाउंड्स द फ्लोराइड्स हैव द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड आइंस। तो बाकी आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में जो फ्लोराइड्स हैं उनको उनका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और दूसरा उसका साइज छोटा है, तो इसलिए वो जो बॉन्ड बनाएगा उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। दस फॉर आयनिक हैलाइड्स द फ्लोराइड्स हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स विच डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। फ्लोराइड्स के बाद क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड। ये आपको ट्रेंड याद करना है, ना सिर्फ याद करना है बल्कि इसकी लॉजिक भी आपको बतानी है। मतलब आपको पेपर में जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो इस तरह से आएंगे कि जी आपको ये एक ट्रेंड दे दिया गया, आपने इसको जस्टिफाई करना है। तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्यों इनकी जो है आयनिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयोडाइड का कम है और फ्लोराइड का ज़्यादा है? तो उसकी वजह आपने यही बतानी है कि फ्लोराइड्स में फ्लोराइड जो है वो क्या है, दीज आर द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन विद एनी अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और फ्लोराइड्स में फ्लोरीन का क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और साइज छोटा है तो इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इसके नतीजे में जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जितने आपके पास इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो हाई हो जाते हैं, ठीक है। और आयोडाइड का क्योंकि साइज बड़ा है और साइज़ बड़ा होने की वजह से आयोडाइड में क्या चीज़ है कि साइज़ बड़ा होगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी कम है, तो इसलिए उसका बॉन्ड जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अब उनकी बात कर लेते हैं। अब ये तो वन ए के तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है ना, और टू ए पे आ जाते हैं ब्रिलियम, गैलियम एंड एलुमिनियम, के थ्री में आ जाएगा। ये क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हैलाइड्स, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या बना रहे हैं? आयनिक हैलाइड्स। और ये जो लेस हैं ये दरमियान वाले जो हैं ये क्या बनाएंगे? पॉलीमेरिक हैलाइड हैविंग पार्शियली आयनिक बॉन्डिंग विद लेयर और चेन लैटिसेस, ठीक है। इसमें पार्शियल जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। इसकी एग्जांपल किस तरह है कि SiCl4 सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विच आर हाईली पोलर, ठीक है। ये किस पर मुश्तमिल होता है? हाईली पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड है SiCl4, ठीक है। द बॉन्ड्स इन PCl5 दिया हुआ है, PCl5 एंड S2Cl2 आर लेस पोलर देन दोज ऑफ SiCl4। अब ये PCl3 दिया हुआ है, ये PCl3 में और जो है वो बॉन्ड वो लेस पोलर होंगे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ SiCl4। क्यों उसमें लेस पोलर होंगे? क्योंकि फॉस्फोरस की थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अच्छा, ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिड्यूसेस। अब लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन अब ये क्यों उसने कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हैलाइड्स का मतलब है हैलोजन के कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किससे कम हो रहा है? डिफरेंस दो चीज़ों के दरमियान होता है ना, वो हैलोजन से कम हो रहा है। जैसे जैसे हम हैलोजन के करीब जाएंगे उससे डिफरेंस कम होता जाएगा। फिर आ जाएं जरा पीरियोडिक टेबल पे, बार बार हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। चले, अब आप देखिए जो आपने हैलाइड्स पढ़े हैं वो क्या है? ये 1A के ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान, और ये आपके पास जो हैलोजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं हैलाइड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे इस तरह, तो आपके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा। किस तरह कम होगा? जैसे फ्लोरीन है, इसका इसकी होता है 4, ऑक्सीजन का 3.5, इस तरह करके आपके पास 2.5 होता है कार्बन का। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, अगर कार्बन का मुकाबला करें तो कार्बन का 2.5 है
और फ्लोरीन का 4 है, तो डिफरेंस आपके पास ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन का डिफरेंस निकालें तो फिर आपके पास ऑक्सीजन की जो है वो 3.5 होती है और फ्लोरीन की आपके पास 4 होती है। तो 3.5 जब निकालेंगे 4 में से तो जस्ट 0.5 आएगा। तो जैसे जैसे हम करीब जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे हैलोजेंस की तरफ, तो वैसे वैसे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, किससे? हैलोजेंस से, ठीक है। और ये जो है बहुत सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अफेक्ट करेगा। अब कौन कौन सी को अफेक्ट करेगा? लाइक मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। अच्छा, ये टेबल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। सबसे पहले उसने कंपाउंड दिया है सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग पॉइंट है 808 और टोटली आयनिक। सोडियम के बाद नेक्स्ट मेंबर है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जो है वो 2A का मेंबर है, यानी लेफ्ट टू हम राइट जा रहे हैं, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम हो गया, किसके किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो इस क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया, ये पार्शली आयनिक। फिर नेक्स्ट मेंबर है एलुमिनियम, और राइट की तरफ गए, एलुमिनियम 3A का मेंबर है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो गया, तो जस्ट 192 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर और आगे क्या, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और ये आपके पास H2Cl2, यहाँ पर आकर आपके पास जो है इवन माइनस में आ रही है वैल्यूज, यानी रूम टेम्परेचर पे ही ये गैसेस फॉर्म में मौजूद है। तो आप कंपैरिजन देखें कि जस्ट 3-4 मेंबर्स का फासले पे आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने ट्रेंड जो है वो याद करने, इसमें से हर लाइन में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। एज द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज इन कूवलेंट हैलाइड्स आर वीक, अब कूवलेंट कौन होंगे जिनका डिफरेंस जो है वो ना बहुत ज़्यादा कम होगा ना बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, दरमियाना होगा। तो उसमें वो क्या है कि मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, फिर वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेज होंगी, सो दे आर ऑफन गैसेज, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग पॉइंट्स सॉलिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कूवलेंट हैलाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज। अच्छा, कूवलेंट की पहले एग्जांपल आपको मैं बता दूं ना, कूवलेंट हैलाइड की एग्जांपल क्या होगी? हाँ जी, इसकी एग्जांपल आपने मुझे सोच के बतानी है, इसकी एग्जांपल क्या होगी जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो है वो दरमियान वाले मेंबर होंगे, ठीक है। लाइक आपके पास जो है वो कार्बन फैमिली का जब अगर हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बन जाए, कोई भी किसी भी हैलोजन के साथ पूरी कार्बन फैमिली का अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कूवलेंट इन नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि उस वो दरमियान में मौजूद है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कूवलेंट हैलाइड्स किस तरह से होंगी, बाय इन्फ्लुएंस होंगी किसके जरिए, बाय साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन एटम्स, किसके हैलोजन एटम जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं हैलाइड की फॉर्म में, उसका क्या साइज़ है और उसकी क्या पोलराइजेबिलिटी है। आयोडाइड्स जो हैं वो बड़े होते हैं और ज़्यादा पोलराइजेबल होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, तो इस वजह से जो है इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डेर वाल्स फोर्स होंगी और इसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर कूवलेंट हैलाइड्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। यहाँ से मैं आपको दोबारा करवाऊँगी ताकि इसमें से जो सवाल है वो हमारे इंशाल्लाह कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, अगर आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो।